मैं अंजलि जाड़ीवाल, स्वागत है आपका टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे हर सैटरडे संडे फ्रेंचाइजीज का वेलकम किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस, लेकिन इससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी एक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एनके शर्मा जी से, और जानेंगे हम सर से इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सर काफ़ी सालों से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और पिछले 4 सालों से सर हमें अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हमने भी सर से बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखते रहेंगे। लेकिन सर से जानते हैं कि टीम 360 के लिए सर का अपना क्या एक्सपीरियंस है और हमारे आईवी फ्रेंचाइजीज को सर अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर एमडी सर डीडी शर्मा जी, हु हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू कम टू यू। And whenever any franchises are coming to Jaipur, he is calling me and giving me the opportunity to face to face with all of you. I have been in teaching line for more than 17 years and I also worked in corporate for more than 20 years. So whatever I have learned in my life, I want to share with you, and same is my experience I want to share with the franchises here. See, around 4 years back, when first time Vinish sir, Vipul sir came with the child to my school, I was very much surprised how a child with blindfolded can read the title of the books. Still, I was not satisfied, so I decided to check myself. I took out one visiting card from my pocket and shown to the child. Child immediately was able to read it and even told me the color correctly. Even I was not satisfied. I took out my mobile, then I have shown, and the child was able to read the message also. Then I was a bit convinced. Thereafter, the entire program was conducted in my school. Around 12 classes were there for 4 hours each. Har class mein main maujood tha, maine har bachche ka result check kiya, and I am fully convinced about this concept. ये कंसेप्ट इतनी बढ़िया है, चूँकि हमारे मोर देन 200 बच्चे थे, हर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस विद माई एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रन दैट एवरी पेरेंट शुड इंसिस्ट दैट द चिल्ड्रन शुड अंडरगो दिस कोर्स। ऑल द स्कूल मैनेजमेंट पीपल, द डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, दोज आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, आई सर्टनली रिकमेंड टू दैम दैट इन ऑर्डर टू use the talent, the hidden talent of their children, they must insist in their school to carry out this kind of programs, so that it will be a big service to our country. See, in our education system, normally the routine degree we are giving, but nobody is trying to find out whether this particular degree or with this particular course is suitable for the child or not. So through this course, especially the DMIT is able to trying to find out what is correctly the suitable for the child, so that the child can be groomed accordingly. तो लास्ट में मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जो फ्रेंचाइजीज इतनी दूर दूर से आए हैं। सर्टेनली इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, अभी ये लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर करेंगे। मैं तहे दिल से इन सबका स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस को समझा और एक बहुत महान कार्य जो डीडी शर्मा जी ने हाथ में लिया है समाज की सेवा करने का थ्रू प्रॉपर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इसी क्रम में मैं हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनय जी से भी निवेदन करूंगी कि वो आएँ और 2 शब्दों में अपनी बात बताएं कि किस तरीके से वो फील्ड में जाकर के फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। जैसे कि मैम ने बताया, हम लोग फील्ड में जाते हैं
फ्रेंचाइजीज की हेल्प करते हैं, तो हम लोग उन्हें फील्ड में सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको सेमिनार डिलीवर करना है स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर जो है उनसे किस तरीके से आपको बात करनी है, कैसे अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है। इसके अलावा पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, क्लासेस से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम लोग उनको देते हैं, जिससे कि वो चीज़ सीख पाते हैं और अपने स्टाफ को भी सिखा पाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है धीमे धीमे धीमे। आप उस चीज़ को सीख के आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनय जी। इसी क्रम में मैं कंपनी के टेक्निकल मैनेजर रवि जी से निवेदन करूंगी और वो किस तरीके से जो हमारी फ्रेंचाइजीज है उनको सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से उन्हें मतलब आगे बढ़ावा देते हैं और किस तरीके से उन्हें टेक्निकल सपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेंचाइजीज आई है ट्रेनिंग लेने के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, और कंपनी के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस वर्क के लिए कि मैं जितनी भी फ्रेंचाइजीज यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर जाती है उनके सपोर्ट में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकूँ। होता यह है कि यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेने के लिए आते हैं, उनकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद वहाँ जाकर उन्हें किसी भी प्रकार की अगर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है या फिर कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आई है, वापस रिवीजन करना है, वापस कोई चीज़ समझनी है, तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते हैं और उनकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और उन्हें सपोर्ट करता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का DMIT टेस्ट कर सके और जो भी वर्कशॉप है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में कर सके और डायरेक्टली इसका जो इफ़ेक्ट है वो सीधा सीधा समाज पे, आसपास के लोगों पे, देश पे पड़ने वाला है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और मेरे लिए ये काम अपने लिए मुझे गौरवान्वित महसूस करवाता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ कंपनी के MD DD शर्मा जी का, NK शर्मा जी का और साथ ही साथ विपुल सर, विनीत सर और कंपनी के जितने टीम मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर विनीत शर्मा जी से और वो आएं और दो शब्दों में अपनी बात बताएं और हमारी आने वाली फ्रेंचाइजीज को सर अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम विनीत शर्मा है और इस कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर पद के ऊपर कार्यरत हूँ और हम लोगों को पिछले 8 साल से इस फील्ड का अनुभव बहुत अच्छा है और हम लोग 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और मैं अपनी बात आगे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और जैसा कि हर सैटरडे संडे आते ही हैं उसी सिलसिले में आज भी सभी लोग मौजूद हैं, उनका सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो यहां पर आए और उन्हें इस कंसेप्ट को सीखा और अपने अपने क्षेत्र में जाके इस कार्य को आगे बड़ी जोश के साथ, जुनून के साथ इस काम को करेंगे और हमारा सपोर्ट उन सभी लोगों के साथ में रहेगा। और जो भी इस प्रोग्राम को इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर जो देख रहे हैं मेरा उन सभी से गुजारिश है अगर वो जैसा कि अभी आगे वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि सभी लोग कहां कहां से हैं, अगर आप लोग भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो इन सभी फ्रेंचाइजी या पार्टिसिपेंट से अप्रोच कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए जाएंगे, उनसे बात करके आप इन कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं, DMIT टेस्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं। और मैं सभी हमारे टीम मेंबर के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके सपोर्ट से हम लोग ये ट्रेनिंग बहुत सफलतापूर्वक कर पाते हैं और MD सर से भी जो है हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे को बहुत खुशी है कि डॉक्टर NK शर्मा जी का भी स्कूल आवर्स के बाद में हमारे को सपोर्ट मिलता है, उनकी सेवाएँ मिलती है और उनका भी हमारे को जो है जिस तरह से ब्लेसिंग्स मिलती है उनकी हमारे को मिलती रहेगी। और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से जिस तरह से आज ट्रेनिंग हुई है नेक्स्ट सैटरडे संडे भी ट्रेनिंग होगी, उसी तरह से अभी जैसे आज रूबरू हो रहे हैं उसी अगले सैटरडे संडे भी हम आपसे रूबरू होंगे और मैं जो यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं उनसे ये जो है प्रॉमिस और वादा कर सकता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में जब जाके काम स्टार्ट करेंगे और उन्हें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं अलग अलग जो अपना कार्य देखते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो उन्हें प्रॉपरली गाइड करेंगे और अगर हमारी ज़रूरत भी उन्हें महसूस होती है तो यहाँ पे टीम है जो कि उनके एरिया में जाके उनके लिए हेल्प कर सकती है, चाहे स्कूल्स में सेमिनार करना हो या कोई काउंसलिंग करनी हो या कोई भी
भी बड़ा प्रोग्राम करना हो उसके अंदर भी अगर हमारी मदद लेना चाहे तो हम उनके लिए जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ में रहेंगे। और मैं दोबारा से एक बार सभी टीम मेंबर का शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि सभी लोगों के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाते हैं। और सभी आई वी जो फ्रेंचाइजीज हैं जो कि अब हमारी टीम मेंबर बन चुकी है उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कि इस काम को लेकर बहुत बढ़िया ढंग से इस काम को आगे फैलाएँ ताकि उनके एरिया के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुँच सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इसी क्रम में मैं कंपनी के डायरेक्टर विपुल शर्मा जी से भी निवेदन करूंगी, वो भी आएं और दो शब्द हमारी फ्रेंचाइजीज के लिए बताएं और वो किस तरीके से जो है उनका मतलब अपना क्या विजन डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से वो कंपनी को कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करती है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू अंजलि जी। सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि अभी अंजलि जी ने बताया कि ये विज़न डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या किस तरह से कंपनी ग्रोथ करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं विपुल शर्मा आप सभी को नमस्कार है मेरा। और ये जो अभी यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा कि ये क्या विज़न डॉक्यूमेंट है। ज़्यादा बेटर इसके ऊपर हमारे कंपनी के MD साहब बात करेंगे, वो भी आएंगे तब उनसे हम आपको मुखातिब कराएंगे, वो इस पर ज़्यादा बेटर ढंग से बात करेंगे। बट चूंकि इसकी ग्रोथ के ऊपर बात कही है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि मेरा मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही मेरा ये जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग इंडस्ट्री का है, तो आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, देखो ये जितने सारे लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए, कोई बंगाल से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई यूपी से आया है, अलग अलग प्लेसेस से लोग आए हुए हैं, इतने दूर से ये लोग आए हैं, इतना टाइम इन लोगों ने लगाया, एक इनिशिएट इन्होंने किया है ताकि आपके बच्चों को और आप लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। तो मेरी आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन्होंने इतना मेहनत की, इतना दूर इतना टाइम निकाल कर यहाँ पर ये प्रोग्राम ये लेने के लिए आए हैं, इतने यूनिक प्रोग्राम में इन्होंने इंटरेस्ट लिया और अब ये इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कराएं ताकि आपके बच्चों को भी सही तरीके से जो करियर में दिशा मिल सके और वो आगे इसमें ग्रो कर सके। रही बात ग्रोथ की, देखिए किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में उस सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितना भी हम कंपनी के अंदर प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारा मार्केटिंग का जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई फ्रेंचाइजी हमसे लेके जाता है तो उनके लिए वहाँ प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रोथ मिल सके। जब यहाँ पे आते हैं तब भी हम उसका मार्केटिंग का जो सेगमेंट है वो तरीके से सिखाते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज होना अलग बात है और प्रोडक्ट को बेचना अलग बात है और प्रोडक्ट के बारे में बात करना अलग बात है। तीनों ही चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। इस कारण से हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है क्योंकि उसकी मार्केटिंग विंग बहुत स्ट्रांग है, सेलिंग विंग बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा हमारी आफ्टर सेल्स बहुत स्ट्रांग है। भाई यहाँ से प्रोडक्ट लेने के बाद में कंपनी, जैसा विनीत जी ने बताया, डॉक साहब ने बताया, जितने भी हम लोग यहाँ पे टीम में हैं इसे सभी हमारा यही प्रयास रहता है कि जब कंपनी से कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेके जाए तो वहाँ पे वो सिस्टमेटिकली उस काम को कर सके, किसी तरह का कोई बैरियर ना आए और कोई चैलेंज आए तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी का उसको सपोर्ट मिलता रहे। ये बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी में ये जो ग्रोथ है ये या ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है, इतना एक्सट्रीम पर सक्सेस मिल रही है, मैसिव सक्सेस मिल रही है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे सारे सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग का भी, सेलिंग का भी, जो टेक्निकल पार्ट है वो भी, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारे इक्वली जो है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंपनी की हमारी बहुत ग्रोथ आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी स्कूल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए हमारे लिए हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह से फ्रेंचाइजी मोड पर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये प्रोजेक्ट पहुँचे और वहाँ के बच्चों को भी लाभ मिल सके। और उसी के साथ में मैं जो है जितने भी कंपनी के हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं कंपनी के हमारे टीम मेंबर्स हैं, डायरेक्टर सर हैं, MD सर हैं, सभी से, मैनेजर एंड ऑल, सभी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे साथ एसोसिएट होकर इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और इसके विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अंजलि जी को ताकि वो MD साहब तक इस चीज़ को ले जा सके और वो ज़्यादा बेटर ढंग से इस पर बताएं। बहुत धन्यवाद हमारे सभी टीम मेंबर्स और हमारे सब डायरेक्टर्स का। इसी क्रम में अब मैं हमारी IV फ्रेंचाइजीज से आपको रूबरू कराना चाहूँगी। सबसे पहले मैं साजू दीवान जी से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी कि जब इन्होंने इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखा तो इनके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट थी और क्या सोचकर अपना क्या प्लान बनाकर सर यहाँ आए, और आने के बाद में सर ने 2 दिन की ट्रेनिंग भी अटेंड की, अब सर यहाँ से जाने वाले हैं तो किस तरह से वहाँ के लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं, सर से हम सुनते हैं।
थैंक यू अंजलि जी. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने वीडियो देखा उस वक्त मुझे सबसे पहले जो चीज़ स्ट्राइक करी वो यही था कि ये प्रोग्राम जो टीम 360 ने फॉर्मुलेट किया है ये बहुत ही यूनिक है. DMIT अपने आप में यूनिक है और उसके बाद जो कोर्सेज हैं वो अपने आप में बहुत यूनिक हैं. DMIT के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि अगर हमें अपने बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लग जाता है तो हम उस पर काम करके अगर उसको एक अच्छे करियर की ओर अग्रसर कर सकें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है. तो यही एक शॉर्ट में इस कोर्स का सार है कि हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें. और मेरे हिसाब से ये इस टीम का टीम 360 का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स अ सोशल कॉज. और इसके साथ साथ यू हैव एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. सो आई वुड लाइक टू थैंक टीम 360, द एंटायर टीम, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स. थैंक यू सो मच. इसी क्रम में हमारे साथ में विनीता मैम मौजूद है, तो हम मैम से सुनते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इन्होंने किस तरीके से इस प्रोग्राम के बारे में जाना, क्या सोचा और क्या सोचकर यहां पर आए और अब ये यहां से जा रहे हैं तो किस तरह से वहां के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं. जब मैंने 360 के वीडियोज़ देखे थे तो माइंड में एक पिक्चर बनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखी, DMIT टेस्ट, बच्चे अनफोल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसा कुछ होता है. मेरी एक जो अंदर की क्यूरियोसिटी थी वो जागी, तो मैंने एक डिसीजन लिया इंस्टेंट कि अभी मेरे को जाना चाहिए और इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता करना चाहिए. हमारे एरिया में हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी नहीं सुना, तो मुझे एक उसमें यूनिकनेस लगी. सो आई डिसाइडेड टू कम टू जयपुर. उसके बाद जब हम विनीत जी से मिले, विपुल जी से मिले, तो जहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं थे उन्होंने वो बहुत हेल्प करी हमें क्लियर करने के लिए और बताया कि किस तरह से हम एक सफल तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी को भी हम बेनिफिट कर सकते हैं. क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, आप चाहे किसी, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हों चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हों, कई बार वो लोग प्रेशराइज़ कर देते हैं पेरेंट्स कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना है, जबकि बच्चे का मन नहीं होता उस फील्ड में जाने के लिए, वो ज़बरदस्ती जाते हैं. तो हम उन स्टूडेंट्स को और उन पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चों को एक ब्राइट और एक सक्सेसफुल फ्यूचर मिले, जहाँ पर उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो पहचानें और उनके बारे में उनको बताएँ. धन्यवाद. हम में देवेंद्र जी से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे सर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में. नमस्कार सर, बताइए हमारे दर्शकों को कि आप किस तरीके से अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं. हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र पटेल वापस से आया हूँ. मैंने सबसे पहले ये 360 डिग्री का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें फ्रेंचाइजी के बारे में बात की गई हुई थी. वो पूरा वीडियो 47 मिनट का समथिंग कोई वीडियो था. वो पूरा वीडियो देखने के बाद में मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक लगा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, आजकल पेरेंट्स बहुत टेंस रहते हैं इस सब्जेक्ट को लेके कि बच्चे को कौन सी फील्ड में डाले, कौन सी फील्ड में उसका फ्यूचर सही रहेगा. और उसके चलते बहुत बार पेरेंट्स के डिसीजन गलत भी होते हैं, वो ऐसी फील्ड में बच्चों को डाल देते हैं, वहाँ पे बच्चा बाद में ओवरलोड होके अपनी लाइफ निकालता है. ऐसा मतलब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने करियर सिलेक्ट नहीं किया हुआ है. तो ये DMIT जो है वो टेस्ट करवाने के बाद में हमें बच्चे की पर्सनालिटी, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलती है और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उस बच्चे का कैरियर सिलेक्ट करते हैं तो वो उसका कैरियर सही तो रहता है और वो पूरा मतलब उसको एंजॉय करके लोड में नहीं रहता, काफ़ी अच्छे से अपना लाइफ निकाल सकता है. तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसके लिए इसकी जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं टीम 360 डिग्री, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि ये यूनिक कॉज का एक पार्ट बनने का हमें मौका मिला. थैंक यू.
कार्यक्रम में हमारे साथ में देवान जी के मित्र सागर जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो हम सर से भी सुनते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद, टीम 360 के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दो दिन में जो सेशन हम लोग को दिया है, जो ट्रेनिंग दी है, जो यूज़फुल छोटे मीन्स 5 से 14 साल के से 16 साल के बच्चों को यूज़ होगा उनके कैरियर सजेशन के लिए, जो उनको गाइड करेगा कि उनकी वीकनेस उनका स्ट्रेंथ कितना है, तो वहाँ पे वर्क करके हम लिए उसके माध्यम से हम हमारे जो लोकेशन है वापी जो बलसा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वहाँ हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि वहाँ के बच्चों को हम बेस्ट बेस्ट ये ट्रेनिंग हम लोग देंगे और उनका करियर अच्छे से अच्छे ग्रो अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। में हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है, सुब्रतो जी, सुनते हैं हम सर से भी इनका अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू अंजलि, और थैंक यू टू 360 डिग्री टीम और MD सर एंड विपुल सर एंड विनीत सर। मैंने ये इनका जो वीडियो है ये मैंने YouTube पे देखा था, देखने के साथ मुझ में एक क्यूरियोसिटी लगी जो ये चीज़ क्या सच में होता है या संभव है। तब मैंने बात की थी विनीत जी से, तो विनीत जी ने बताया हाँ ये संभव है, आप आओ आप देखो अपने तरीका से। तो मुझे मैंने देखा दो दिन के ट्रेनिंग में और देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, और ये शायद मैं सोच सकता हूँ जो अभी के जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास एक फ्यूचर है और फ्यूचर को जितना अच्छा तरीका से समझ के बनाया जा सकता है वो बना सकते हैं। थैंक यू। मैं पूर्वी मैम भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैम से भी हम सुनते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इनको इस प्रोग्राम के बारे में किस तरह पता चला, और अब इन्होंने अपने यहाँ पे दो दिन की ट्रेनिंग भी ले ली, तो मैम का क्या एक्सपीरियंस है? मेरा नाम पूर्वी है और मैं वापस से हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में कि ये थोड़ा यूनिक कंसेप्ट है और मतलब खुद के लिए भी अप्लाई करना चाहिए ऐसा, और जो बच्चे हैं आजकल के उन पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं उनके फ्यूचर प्लान करने के लिए, करियर सेट करने के लिए। सो ये बहुत यूज़फुल है सबके लिए, सो हम लोग ये इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ में सुनीता मैम अभी मौजूद है जो कि भिवाड़ी से है, तो मैम से हम सुनेंगे इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इनको इस प्रोग्राम के बारे में किस तरह से पता चला, और जब पता चला तो इन्होंने क्या सोचा, क्या सोचकर यहाँ आए, और अब इन्होंने दो दिन की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली तो अब ये वापस जाने वाले हैं, तो किस तरह वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के साथ में वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, किस तरह वहाँ के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं? भिवाड़ीहून आलेली आहे, सगळ्यात अगोदर मी हा व्हिडिओ यूट्यूबवर बघितला आणि त्यानंतर ह्या कॉन्सेप्टबद्दल मला उत्सुकता लागली की हे आहे काय नेमकं, आणि ते बघण्यासाठी आम्ही जयपूरला आलो। जयपूरला आल्यानंतर आम्ही इथे ही ट्रेनिंग घेतली। सुरुवातीला थोडंसं अटपटसं वाटत होतं, पण नंतर जशी जशी ट्रेनिंग झाली, वेगवेगळ्या लोकांकडून जे शिकायला मिळालं, त्यावरून ह्याच्यावर माझा विश्वास बसला आणि ह्याला मी पुढे घेऊन जाण्याची प्रयत्न करेल। थँक्यू। इसी क्रम में आज हमारे साथ में कंपनी के MD मिस्टर DD शर्मा जी भी सर यहाँ पे मौजूद है, तो हम सर से जानेंगे कि कंपनी के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, कंपनी का अपना क्या विजन डॉक्यूमेंट है, क्या प्लान है, और साथ ही हमारी आने वाली फ्रेंचाइजीज को सर अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं DD शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360, आप सभी लोगों के सामने इस एक विशेष संदेश के साथ रूबरू हूँ कि आज शनिवार, कल शनिवार को और आज रविवार को 5 प्रदेशों के लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं। हर सप्ताह 5-10 प्रदेशों के लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं, न केवल हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों के लोग भी हर शनिवार रविवार को यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि जो फ्रेंचाइजीज आती है यहाँ वो बड़ी दूर से चलकर के आती है और बड़ी तमन्ना और जोश जुनून के साथ में इस काम को करना चाहते हैं।
हम उन लोगों के जोश जुनून से और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस अपने आप को करते हैं। मैं अब भी आपको तीन बातें बतलाना चाहूँगा, सिंपल ज़्यादा नहीं, तीन बातें। पहले तो हमारी कंपनी का विजन क्या है, हम इस देश में क्या करना चाहते हैं और पूरे विश्व को क्या योगदान देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हर हिंदुस्तान के बच्चे का ये अधिकार है कि उसका DMIT टेस्ट होना चाहिए। हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, हमारे स्तर भी पर भी ये कर रहे हैं, फ्रेंचाइजियों को भी निवेदन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का DMIT टेस्ट करें और टेस्ट करके उनके पेरेंट्स को बतलाएं कि आपके बच्चे में ये खूबियाँ हैं, इनको विकसित करिए और ये कुछ कमियाँ हैं, सीमाएँ हैं, इनको ठीक करने के लिए उपचार जो बताए जाते हैं उनको जीवन में उतारिए। मेरा निवेदन ये है, जो मेरा अकेले का नहीं, बहुत जो मनोवैज्ञानिक अपने देश में काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उन सब का ये कहना है कि DMIT के तहत सिर्फ एक लर्निंग पैटर्न के बारे में बच्चे को बता दिया जाए कि तेरा लर्निंग पैटर्न जो है ऑडिटरी है अथवा काइनेस्थेटिक है अथवा विजुअल है और उसको ठीक से उपयोग में लेना उसे सिखा दिया जाए, तो वो 10-15% मार्क्स परीक्षा में ज़्यादा ला सकता है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10-15% मार्क्स का मतलब बहुत बड़ी सर्वोच्च उपलब्धि होती है और सामान्य एग्ज़ाम्स में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की श्रेणी में आता है। अगर DMIT से इतना बड़ा लाभ बच्चों को परीक्षा में अंक ज़्यादा लाने में होता है, जो कि नंबर एक की प्रायोरिटी है पेरेंट्स के लिए, हम उससे सहमत हैं और हम इस दिशा में लगे हुए हैं कि हर बच्चे के DMIT टेस्ट होना ही चाहिए और उसके बाद में 15-20% मार्क्स भी ज़्यादा ही आना चाहिए। लेकिन DMIT यहीं तक सीमित नहीं है, DMIT बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, उसके दिमाग का पूरा एक्सरे है जो ये बतलाता है कि DMIT से किस प्रकार के कैरियर का उसे चुनाव करना होगा, किस फील्ड में वो अधिक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। हमने सिंगापुर, ताइवान आदि से इस जब प्रोजेक्ट को लिया और इसको समझा और इस पर विचार किया तो हमें ये लगा कि हमारे हर देश के नागरिक के पास में ये कंसेप्ट जाना चाहिए और हर नागरिक के हर बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए, न केवल बच्चे को बल्कि हर व्यक्ति को DMIT का लाभ उठाने का अधिकार है और उसे इस DMIT से लाभ उठाना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो गया हो। अगर 60 साल की रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी DMIT का टेस्ट करवाता है और एक नए कैरियर की चुनाव करता है तो भी हमें उसका स्वागत करना चाहिए और वो अनेक प्रकार की उपलब्धियों को 60 वर्ष के बाद भी प्राप्त कर सकेगा। जिस तरह से DMIT इम्पोर्टेंट है और हमारे हर बच्चे का अधिकार है DMIT, ये एक राष्ट्रीय स्लोगन है, ये क्रांति हम पूरे देश में फूंक देना चाहते हैं, जो कि विश्व से लाए तो हम बाहर से हैं पर हम चाहते हैं पूरे देश में फैले और फिर इस देश का ये मोमेंटम पूरे विश्व में जाए। दूसरी बात, जिस तरह से DMIT इतनी इम्पोर्टेंट है वैसे ही पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जो है वो भी महत्वपूर्ण है, पर उसमें एक छोटी सी सीमा है कि वो सिर्फ 5-15 साल के बच्चों को ही सिखाया जा सकता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जापान में एक सर्वे हुआ, 18,000 से ज़्यादा परिवारों का उन्होंने सर्वे किया कि उन परिवारों में से जिन बच्चों ने पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का वर्कशॉप अटेंड किया था 25 साल पहले, वो सारे के सारे बच्चे जब जवान हो गए, 25 साल के हो गए, तो वो सारे के सारे मल्टी मिलियनर बने। और इस रिपोर्ट को डॉक्टर पिल्लई ने बाकायदा डॉक्यूमेंटेड किया और ट्रंप के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखा है कि हर अमेरिकन बच्चे को पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का वर्कशॉप जो है अटेंड कराया जाए। डॉक्टर पिल्लई, चूंकि उन्होंने नागरिकता अमेरिका की ले ली, उन्होंने अमेरिका के लिए बात कही है, अच्छी बात है तो वो हिंदुस्तान के रहने वाले, पर ठीक, जैसा उन्होंने उचित समझा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के हर बच्चे को ये लाभ मिले। तात्कालिक लाभ देने के लिए सरकारें व्यवस्था करती है, धनी
लोग भामाशाह लोग भी करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि कोई विजनरी आए जो 25 साल बाद बताए कि तुम्हारा बच्चा आज क्या है, छोड़िए 25 साल बाद अगर आप चाहते हो उसे मल्टी मिलियनर देखना तो कृपा करके उसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन करा दें, जिसकी फीस मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये है। ये 5-7 हज़ार का इन्वेस्टमेंट ये श्योरिटी देता है कि 25 साल बाद आपका बच्चा मल्टी मिलियनर बनेगा। ये विजनरी लोगों की बातें हैं जो भविष्य में झांक सकते हैं, और ऐसे लोग ही देश का निर्माण करते हैं, देश के नए नए आयाम को खोलते हैं। तात्कालिक लोग तात्कालिक लाभ देते हैं, पर जिनके सपने बड़े हैं, जो भविष्य में झांक सकते हैं, जैसे पहले देश में राजाओं का राज होता था, पर गांधी ने झांका कि नहीं देश स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों ने गांधी के साथ मिलकर के झांका कि नहीं एक प्रजातंत्र नाम का शासन व्यवस्था होती है वो देश में आनी चाहिए। 100 साल आगे की गांधी ने सोची और आज यानी हम प्रजातांत्रिक युग में स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं और एक अच्छी जीवन शैली जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो विजनरी लोग होते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये हर माता पिता को विजनरी होना चाहिए, अपने बच्चे को 25 साल बाद वो क्या देखना चाहता है, अगर वो उसे धनी देखना चाहता है, अमीर देखना चाहता है, तो उसे अभी अपने बच्चे को पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का वर्कशॉप अटेंड कराना चाहिए। और हम चाहते हैं कि देश के हर राज्य में पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के केंद्र खुले, हमारी फ्रेंचाइजीज जाए, ताकि हर बच्चे को सस्ती दर पर ये वर्कशॉप उपलब्ध हो सके। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन का जो प्रोग्राम है, जो हम लोग यहाँ करवाते हैं और हमारी फ्रेंचाइजीज को सिखाया जाता है, अमेरिका में वो डिफेंस के अंदर लागू किया जा चुका है, और अमेरिकन लोग आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से NLP जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रोग्राम को भी अमेरिका के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया, हम अपनी फ्रेंचाइजीज को उसे भी सक। हमारा विजन ये है कि हमने 20 साल का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसको 4 चरणों में तोड़ा, 5-5 साल के में, और हम जब 5 साल का एक चरण पूरा कर चुके, अब करीबन 7 साल हो गए, ज़्यादा हमारी उपलब्धियाँ जो है, उन उपलब्धियों हमने बहुत मेहनत की, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, और टीम का परिणाम ये निकला कि भारत सरकार ने मुझे अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वहाँ सम्मानित करने हेतु मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे वहाँ से सम्मानित किया गया। यद्यपि ये पूरा मेरा जो सम्मान हुआ उसका सारा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि टीम की मेहनत की वजह से ही मुझे ये सम्मान मिला। जैसे मुझे सम्मान मिला, वैसे ही हमारे डायरेक्टर्स लोग हैं, उनको राज्य स्तर पर पुरस्कार मिले, IAS ऑफिसर्स, संत महात्मा, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रकार के जो मानव सुधारवादी लोग हैं, उन सब ने हमारे इन प्रोग्रामों की तहे दिल से तारीफ की है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि न केवल अपने देश में ये, बल्कि विदेशों में भी ये चीज़ जाए। इसलिए हमारा अब ये विजन है जो हम आगे में 25 सालों पर ले जा रहे हैं, वो ये है कि हर फ्रेंचाइजी हमारा जो है वो अमेरिका की उस संस्थान के द्वारा जिससे मैं सम्मानित हुआ वो सम्मानित हो, और हर फ्रेंचाइजी जो है अपने सबल कंधों पर अपने देश की जो ये विकास और प्रशस्त करने का मार्ग है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का, DMIT का, NLP का, ESP का, क्वांटम फिजिक्स का, और अन्य प्रकार के जो हम स्पेशल कोर्सेज करवाते रहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी का, ये सब के सब जो है हम इनके सबल कंधों पर छोड़ करके हम अब विदेशों में जो है कार्य करना प्रारंभ करना चाहते हैं, और हमने उसकी शुरुआत भी कर दी है। हमने अबू धाबी में अपनी फ्रेंचाइजी दी है, हमने USA में अपनी फ्रेंचाइजी दी है, नेपाल में फ्रेंचाइजी दी है, दुबई में फ्रेंचाइजी दी है। अब हमारा ध्यान जो है विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज देने का है, और हमारी जो वर्तमान फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने आप को थोड़ी सक्षम करें, मेहनत करें, ताकि हम उनको मास्टर फ्रेंचाइजीज के रूप में परिणित कर दें, और जिम्मेदारी जो है भारतीय लोग जो हैं उनको सौंपने की, वो अपने देश के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में इसका प्रचार प्रसार करें और हम विदेशों के लिए समय निकाल पाएं। मेरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रही है, मैं इसके लिए गौरवान्वित हूँ। यहाँ आने वाली जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो हमें बहुत सहयोग करती है, बड़ा मार्गदर्शन देती है, अच्छे अच्छे सुझाव देती है, हम उनको हृदय से
अंगीकार करते हैं और यहाँ से जाने के बाद में फ्रेंचाइजीज को जो भी कोई दिक्कत हो, अगर उनसे रिपोर्ट नहीं बनती है, हमारे यहाँ टेक्निकल मैनेजर से बात करके रिपोर्ट बनाना दोबारा सीख लेवे। अगर उनसे काउंसलिंग नहीं होती है तो हमारे यहाँ जो मार्केटिंग का मैनेजर है उससे अथवा टेक्निकल मैनेजर है उनसे बात करके इसको सीख ले। अगर मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है हमारे विपुल सर से बात करके उसको सीख ले। और इन सब के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, आपकी टीम का कोई मेंबर आए हमारे कस्बे में वो कुछ मदद करे, हम स्कूल में प्रिंसिपल के साथ उसके साथ जा कर के मिलें, कुछ प्रिंसिपल को अपनी बात बताएं, कन्विंस करें, किसी कोचिंग सेंटर में जाएं वहाँ करें, किसी अन्य संस्थान में जाएं वहाँ करें, किसी क्लब में जाएं वहाँ करें, तो हम यहाँ से टीम को भी भेजने का प्रावधान रखते हैं। उसमें उनके आने जाने का खर्चा, ठहरने का खर्चा, खाने का खर्चा फ्रेंचाइजी को बियर करना होता है। बाकी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी हम हमारी टीम के मेंबर्स को देते हैं ताकि वो खुशी खुशी फील्ड में काम करने के लिए आतुर रहते हैं। इन सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगा और सभी लोग जो यहाँ पधारे हुए हैं हमारी फ्रेंचाइजी, पाँचों प्रदेश के फ्रेंचाइजीज को मैं जय घोष के साथ धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।